नमस्कार दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में जाना कि अगर हमारा जो पढ़ने में मन तो लगता है लेकिन हम याद नहीं कर पाते, और याद नहीं कर पाते इसके पीछे क्या कारण है और कैसे याद कर पाएँ, इसके ऊपर हमने पिछले वीडियो में बात करी थी। आज हम बात कर रहे हैं कुछ थोड़े और टिप्स और कुछ टोटके की, बहुत काम में आते हैं लाइफ में टोटके। तो आज जानते हैं हम ऐसे कौन से टोटके हैं जो हमारी पढ़ाई में हमारी सहायता करेंगे, और कौन सी ऐसी टिप्स है जो हमारी पढ़ाई में सहायता कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का ये हमारा वीडियो। पहला चीज़, पढ़ाई करते समय जब आप पढ़ाई करने बैठें, इससे पहले आप सारे काम जो अपने पेंडिंग पड़े हुए हैं या कोई दूसरे काम है, मम्मी ने कुछ लाने को बोला है, पापा ने कुछ कहा है, वो सारे काम आप अपने कर लीजिए पहले। सारे काम फिनिश करने के बाद ही पढ़ने बैठें, क्योंकि अगर आपका कोई काम छूटा हुआ होगा तो बार बार आपका ध्यान लगेगा वहीं पे, और यार पापा ने ऐसा बोला था, अरे यार मम्मी ने कुछ लाने के लिए बोला था, या फिर अरे यार मेरा एक इम्पोर्टेंट सीरियल चल रहा होगा, मैं इधर पढ़ने बैठा हूँ। तो कोई भी जो काम है आपका वो आप पहले कर लीजिए, इसके बाद ही पढ़ने बैठिए, आपका दिमाग लगेगा और आपको याद होगा। किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले क्या करिए, आप उसको अपनी ओन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लीजिए। इट मीन्स ये नहीं कि आप हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिए, जो भी आपका मीडियम हो, लेकिन इजी भाषा में, यानी जो अपनी जो इजीली समझ में आए, इस तरह से आप उसको ट्रांसलेट कर लीजिए और फिर उसको पढ़िए। आपको बहुत जल्दी याद होगा, समझ में भी आएगा, और जब आपको समझ में आ जाए, याद हो जाए, तो उसको 2-3 बार लिख के देख लीजिए। जैसे ही आप लिख के देखेंगे सदा के लिए आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी ज़रूरी चीज़ याद करना हो, मैंने आपको पहले भी बताया, बहुत आसान तरीका है, आप उसको कहीं पर भी अपने जैसे गेट है या बाइक के सामने जो अपना मिरर होता है, मिरर पे लगा लीजिए, मिरर पे नहीं लगाना चाहे तो आप टंकी, जो गाड़ी की टंकी होती है उसके ऊपर लगा लीजिए। जो भी चीज़ आपके साथ रहती है हमेशा, आप उसके ऊपर वो चीज़ को चिपका लीजिए जो आपको याद करना हो। इजीली आप बार बार उसको देखोगे याद हो जाएगी, और वो भी सदा के लिए, क्योंकि रिविज़न होता है बार बार, जब रिविज़न होता है तो आप इजीली कोई चीज़ को याद कर पाते हो। ये थी कुछ टिप्स जिसके थ्रू आप चीज़ों को याद कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं टोटकों की। टोटके बहुत काम में आते हैं लाइफ में, ध्यान रखिएगा। पहला टोटका, आप क्या करें कि मैं ये आपके पापा मम्मी की बात कर रहा हूँ, जो आपके पापा मम्मी वो कर सकते हैं इस काम को, क्या करेंगे, आप अपने बच्चे के बैग में एक मोर पंख रखेंगे, 2 लौंग और 2 इलायची और 5 तुलसी के पत्ते। ध्यान रखिए, 1 मोर पंख, 2 इलायची, 2 लौंग और 5 तुलसी के पत्ते, इनको साथ में एक पुड़िया बांध के या एक कपड़े में बांध के और आप बैग में रख दीजिए। ऐसी जगह रखिए कि बार बार वो बैग में से निकले नहीं, मतलब ऐसी जगह, या तो सिल दीजिए आप बैग में कहीं पर, या जहाँ डबल कोटेड बैग हो उसमें एक कोट थोड़ा सा काट के आप अंदर रख दीजिए, बाद में सिल दीजिए उसको। अगर आप ऐसा करते हैं तो बच्चा होता क्या है कि हर पीरियड में पीरियड चेंज होता है, नए टीचर आते हैं, उनकी बुक निकालनी पड़ती है, उनकी कापी निकालनी पड़ती है, बार बार उस बैग को वो छुएगा, खोलेगा बैग को। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी 4 चीज़ें, ये पॉजिटिविटी से भरपूर चीज़ें हैं, ये बार बार उसको पॉजिटिव एनर्जी देगी, और पॉजिटिव एनर्जी देगी तो उसको क्लास में पढ़ने में मन लगेगा और वो पढ़ेगा। अगला उपाय, आप क्या करें कि 11 कापी लें, ठीक है, 11 पेंसिल लें और 11 रबड़ लें। 11 कापी, 11 पेंसिल, 11 रबड़, इसके 11 सेट बना लें, ठीक है, 11 सेट बना लें। इन 11 सेट को आप किसी गरीब के 11 बच्चों को अपने बच्चे से दान करवा दीजिए। याद रखिए, 11 पेंसिल, 11 रबर और 11 कापी, इनके 11 सेट बना लें, मतलब एक कापी, एक रबर, एक पेंसिल, ऐसे सेट, एक एक तीन चीज़ का एक सेट, तो ऐसे 11 सेट बना के आप 11 लोगों को दान करवा दीजिए। ठीक है, ये आपका था दूसरा उपाय। तीसरा उपाय की जानकारी, अगला उपाय में क्या करेंगे आप, बच्चा जब सो रहा होता है तो बच्चे के हाथ से, या खुद मम्मी भी कर सकती है काम, आप क्या करेंगे, उसके सिराने एक लोटा भर के रख दें। जब बच्चा सुबह उठे तो बच्चे के हाथ से वो लोटे का जो पानी है वो किसी पेड़ में डलवा दें, इससे बच्चे का कंसंट्रेशन बढ़ेगा और उस पर पॉजिटिविटी आएगी। अगला उपाय, आप क्या करें, सवा पाव बादाम लें और उसकी उस सवा पाव बादाम लेकर अपने बच्चे के ऊपर से ऐसे उसार लें और उसकी खीर बना लें, और वो खीर आप क्या करेंगे, गरीब बच्चों में अपने बच्चे के हाथ से बंटवा दें। ये बहुत ही कारगर टोटके हैं, और इससे ज़रूर आपके बच्चे का मन पढ़ाई में लगेगा
उस बच्चे को याद होगा और वो याद किया हुआ ज़्यादा दिन तक रुकेगा। तो ये थे कुछ टोटके जिसके थ्रू आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मेरे अगली वीडियो में आप जानेंगे कि क्लास में हम किस तरह से कंसंट्रेट करें, क्लास में जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं उस समय हम कैसे ध्यान लगाएं। तो चलिए उसी के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे, देखिएगा ज़रूर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।